हाय दया, यूपी में सरकारी नौकरी के 5 चरण हैं, रिटेन, इंटरव्यू, सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। अगर तुम्हार बालक ससुर रिटेन और इंटरव्यू निकाल ले गया और सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में फेल हो गया तो सिर के बाल पक जाएंगे, बगल वाली के बच्चों का मामा कहने लग जाएंगे, लेकिन नौकरी तब नहीं मिलेगी। देखो चिंटू की मम्मी, हम तो तुम्हारे भले के लिए कह रहे हैं कि चिंटू से फार्म चाहे आईएएस का भरवा लो, चाहे चपरासी का, लेकिन पहले लड़का का वकील बनवा लो। देखो तुम्हारी सुविधा के लिए कह रहे हैं, लड़कवा एक बार पीआईएल वगैरह लगाना सीख जाए और थोड़ी बहुत मुकदमेबाजी करने लग जाएगा तो अपने पैरों पर खड़ा हो जाएगा। एक बार वकील बन गया तो सारी टेंशन से छुट्टी हो जाएगी, अपनी सरकारी फॉर्म भरे और मुकदमा खुद ही लड़ ले। आज के समय में आत्मनिर्भरता बहुत जरूरी है। हाय दया, कब तक दूसरे वकील के आगे माथा टेकोगे चिंटू की मम्मी कि लड़कवा सरकारी नौकरी का फॉर्म भरे, पास हो जाए और मुकदमा करो ना दूसरे वकील से लड़ाना पड़े। देखो ये वक्त बदल गवा है, अब जमाना मल्टी टैलेंटेड लोगों का है। अब तो कामयाब वही है जो खुद ही सरकारी नौकरी का फॉर्म भरे और खुद ही मुकदमा लड़ ले। कैसी कही, सही कही ना? और चिंटू की मम्मी, तुम्हें पता है कि नहीं पता? हमका नहीं पता, लेकिन हमका सब पता है। सुनो जरा, 2018 में 69,000 शिक्षक का फॉर्म निकला रहे, 2019 में पैसा हुई गई और उसके बाद से चल रही पंचायत अभी तक खत्म नहीं हुई है, नौकरी नहीं मिल पा रही है, कोर्ट कचहरी चल रहा है और सुनो जबरे तमाशा चल रहा है। कहा गया था हमने नकल विहीन परीक्षा करवाई थी, लेकिन 150 में से 142 नंबर पाए वाले धर्मेंद्र कुमार पटेल से जब पूछा गवा की बहुत तेज नंबर लाए हो भैया, चलो राष्ट्रपति का नाम बता दो, लेकिन धर्मेंद्र नाम नहीं बता पाए। सब कह रहे हैं 69,000 शिक्षक भर्ती में धर्मेंद्र योगी सरकार में नकल करके पास हुए हैं, लेकिन खबरदार कोई धर्मेंद्र का कुछ नहीं कहेगा। अगर कह दिया तो अच्छी बात नहीं हुई है, बिल्कुल अच्छी बात नहीं हुई है नहीं तो या सुबेरे याद करो शाम तक सब सफा हो जाते। और धर्मेंद्र बेचारा 2018 में